वहाँ से ट्रैक्टर पे हम खेत बो रहे थे तो सातवीं औरत इधर से आ रही थी। हाँ। जब इसको यहाँ पे करंट लगा तो वहाँ पर जाके गिरी थी। यही वो गांव है जहाँ के सात औरतें थी और यही बगल के गांव में शिव चर्चा सुनने गई थी। यही लौटान के क्रम में यहीं पर बिजली गिर गया इन लोगों के शरीर पे। अतो झुंड में एक ही साथ चल रहे थे, उसी समय बिजली कड़क रही थी, बारिश भी हो रहा था और झुंड में रहने के कारण यहाँ पर बिजली गिरी और सातों सात जगह यहीं पर फैल गई थी, लेट गई। यहाँ पर एक ही टोले के सब औरतें यहाँ पर थी, गई थी कहीं भगवान की लीला सुनने के लिए और वहाँ से लौटते वक्त बिजली गिर गया और उसके बाद एक की उसमें मौत हो गई। अब आइए उनके परिजनों से हम लोग बातें करते हैं। ये इनका घर है और इसमें जो सात औरतें थी उसमें नाम इस प्रकार है, आरती देवी, पति धर्मनाथ राम जिसकी मौत हो गई है, और दूसरे नंबर पर ज्ञानती देवी है, पति अशोक राम है, तीसरे पर संजू देवी है, शिव कुमारी देवी है, पनवा देवी है, फुलवसिया देवी है, रेणु देवी है, और यहीं पर ये लोग एक ही टोले के सब लोग हैं। और यहाँ पर जिसकी मौत हो गई है उसके हम लोग घर पे आए हुए हैं। है ये लड़की है इनकी मौत हुआ, उनकी लड़की है ये बड़ी, जिसकी मौत हुई बड़ी लड़की है। और यहाँ पर ब्लॉक लोग के कर्मचारी अधिकारी सब आए हुए थे, कोई भी नहीं आया है। क्या बोले वो? तो बोले कि टोटल कार्रवाई करेंगे, कागजाती कार्रवाई, उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स उनको दे रहे हैं और उनके लिए जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। आप उनको थोड़ा बोलिए कि जल्द से जल्द मृतक के परिवार का कुछ मुआवजा मिल जाए और घायलों को मिल जाए। घायलों को भी देने के लिए बोले हैं? अब तो ये स्पष्ट नहीं बताए, आए देख कर और चले गए, लेकिन हम कहेंगे कि घायलों को कुछ दे दे, गरीब परिवार है, जाति का भी हर चमार जाति के लोग है, गरीब लोग हैं, इसलिए उनको भी कुछ दिया जाए। घर की भी स्थिति दयनीय ही है, वैसे बिहार सरकार 4 लाख देती है आकाशीय बिजली से मौत के बाद। और यहाँ पर आप इन्हीं के माथे, आप सास हैं? Yes. आप सास हैं? कितने बच्चे थे? वो क्या करते हैं बाबू? कितने कितने साल के हैं? क्या करते हैं? चिमनी पीटा पर ईटा पाटते हैं। चिमनी पे ईटा पाटते हैं? आपकी मम्मी क्या करते थे? घर पे बैठ कर। घर पर कहाँ गए थे लोग? अरे ने बोहरी गयी, सरसा में गयी, चलिए गयी, हमरा से कोई के ना। कहाँ गए थे? उसी सरसा में गयी लोग। कहाँ पे? इस गांव में। बमलावली। हाँ, कितना दूर है? है। अच्छा, बगले में। वापस से चर्चा से सात औरतें लौट रही थी, बीच में बारिश आ गई। कुछ लिए हुए थे लोग? नहीं नहीं, कुछ नहीं। धातु वगैरह कुछ पास में था? ना कुछ नहीं। कुछ पास में था ना इन लोग का? ना, नहीं, पास में था मालूम चला है। लोहे का सामान कुछ रखे थे? कुछ ना, उनका देही में रहूंगा, कुछ ना। उनका देही में ना, जो बीच में थे इसमें सात औरतों में कोई कुछ लिया हुआ? अब कहा जाने, अब नहीं निकालोगे, कुछ ना रहूंगे। मोबाइल तो घरे जाना। वैसे हम लोग जब आए बस्ती में तो बाहर के लोग बता रहे थे कि सातों औरतें जब लौट रही थी तो झुंड में थी, जब बारिश होने लगा, बिजली गरजने लगा तो ये लोग किसी पेड़ के नीचे चली गई, और उसके बाद धातु का भी सामान बताया जा रहा था। हम लोग बाहर पता किए तो ऐसे जगहों पर अक्सर जहाँ पर झुंड रहेगा, अगर पेड़ के नीचे लोग खड़ा रहेंगे तो आकाशीय बिजली वहां पर गिरेगी। यही गलती वो लोग कर दिए हैं, पेड़ के नीचे छिप गए, उसके बाद कुछ लोहा वगैरह लिए हुए थे। ये नहीं नहीं खेत वाले के तो गिरा रहा। हाँ, नहीं वैसे 2 बीघा दूर पर फेड़ पेड़ है ना, वो जब फेड़ नहीं तो चली ना, देखा दी जागीरा था। अब चलिए दिखाते हैं। और यहाँ पर घर की स्थिति पूरा दयनीय है और जितने भी लोग थे इसमें सबके घर ऐसा ही है। यही वो जगह है जहाँ पर सातों औरतें गिर गई थी आकाशीय बिजली गिरने के बाद, और इसी गांव से इधर से ही ये लोग आ रहे थे शिव चर्चा सुनने के बाद, और सातों झुंड में एक ही साथ चल रहे थे। उसी समय बिजली कड़क रही थी, बारिश भी हो रहा था और झुंड में रहने के कारण यहां पर बिजली गिरी और सातों सात जगह यहीं पर फैल गई थी, लेट गई थी। तब गांव वाले शायद देखे तो यहां पर से आकर लेकर वहां पर गए। वहां से ट्रैक्टर पे हम खेत बो रहे थे तो सातों औरत इधर से आ रही थी। हाँ। जब इसको यहाँ पे करंट लगा तो वहां पर जाके गिरी थी बस, उधर से हम लोग ट्रैक्टर को छोड़ दिया और उनको उठा के घर लेके गए, और वहाँ तो देखा कि उसका सांस प्राण कुछ नहीं है, बाकी सब 5-6 और जो घायल अवस्था है यही पे, एक तो यही पे मर गई। हाँ। और तो सब घायल है 5-6 जो है औरत, उन लोग को तुरंत गाड़ी लेकर आया हुआ सदर अस्पताल से उनको ले गए। चलिए सदर अस्पताल में भी गए, और कल यहाँ पर कर्मचारी भी आए थे ब्लॉक के,
वो लोग भी यहाँ कुछ मुआवजा देने के लिए बोल रहे थे। वैसे बिहार सरकार देती है 4 लाख मुआवजा आकाशीय बिजली से मौत के बाद। वैसे तो बिहार में आकाशीय बिजली से 5 दिनों में 31 मौतें अभी तक हो चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यही वो गांव है जहाँ के 7 औरतें थी और यही बगल के गांव में शिव चर्चा सुनने गई थी। यही लौटान के क्रम में यहीं पर बिजली गिर गया इन लोगों के शरीर पे। अब चलिए जो लोग घायल है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी कुछ बताएंगे। आप भी थे उसमें? झटका मारते गए हम कुछ न ले सबके कुछ ले ले अब हम ना बताए लोहा वगैरह के कुछ कुछ ना सर मोबाइल ना कुछ ना केहू कुछ ना देखने का नाम है आपके रेणु देवी रेणु देवी आप भी थे उसमें जी का नाम है आपके संजू देवी संजू देवी क्या हुआ था वहाँ बिजली गिर गिरने के बाद सब लोग मतलब किसके शरीर पर गिरा था आरती देवी जिसकी मौत हो गई है ना और आपको भी उसमें झटका लगा था आप लोग कुछ ली थी साथ में कुछ लेकिन खाली नहीं ले रहे कोई बचा नहीं था सब लोग इधर उधर साथ साथ और जी साथ